ॐ जम दग्नयाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरा महाप्रचोदयात। बहुत ही पावन और पुनीत मुहूर्त अक्षय तृतीया, चूंकि समस्त जो मुहूर्त हैं उन मुहूर्तों का राजा जो जिसको कहा जाता है वह अक्षय तृतीया होता है। अक्षय तृतीया की जितनी महिमा बताई जाए उतना कम है, क्योंकि आज के दिन ही माँ भगवती गंगा जो है पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, प्रकट उत्सव मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान ने जो है पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे कितना भी कुछ दान कर दें, वितरित कर दें, वह पात्र कभी खाली नहीं होता है। इतनी महिमा है अक्षय तृतीया के मुहूर्त में। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि त्रेता युग का आरंभ काल भी अक्षय तृतीया के दिन से हुआ था। हम जो ज्योतिषीय गणनाएं करते हैं तो महर्षि वेदव्यास जी ने जो 18 पुराण है और जो शास्त्र लिखे हैं उनका लेखन कार्य भी अक्षय तृतीया के दिन से प्रारंभ किया था। ऐसे अनेक अनेक शुभ कार्य अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ होने से अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। यद्यत भावगतो वापी के अनुसार अक्षय तृतीया को जिस जिस भावना से, जिस जिस कामना से जो मनोकामना या संकल्प किए जाते हैं वह व्यक्ति के पूरे होते हैं। अक्षय तृतीया में यदि किसी को आर्थिक परेशानी है तो वह एक पात्र अष्ट धातु का, चांदी या सोने का भी ले सकते हैं, अन्यथा आप अष्ट धातु का एक पात्र लाएं, उसमें चावल भर के अपने देव स्थान पर स्थापित कर दें। ऐसा करने से आपको पूरे वर्ष भर माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। अक्षय तृतीया में यदि किसी के घर में कोई व्याधि है, रोगता बनी रहती है, मानसिक अशांति बनी रहती है, तो ऐसा कहा जाता है कि एक चांदी का पात्र खरीद करके उसमें गंगा जल रखें और एक रुद्राक्ष लेकर के उसमें अक्षय तृतीया के दिन डाल के उसका पूजन कर दें तो वह रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है। और फिर उस पात्र में रखा हुआ जल, रुद्राक्ष से युक्त जल आप वर्ष भर ग्रहण करेंगे तो आपकी सारी शारीरिक व्याधियां दूर हो जाएंगी। जन्म कुंडली में जिनके विवाह के मुहूर्त या गृह प्रवेश के मुहूर्त नहीं मिल पाते हैं, या कोई भी विशेष कार्य आपको करना है और आपको मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो उस कार्य को आप अक्षय तृतीया के दिन कर लीजिए। इसमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती और आपका वह कार्य पूर्णतः सफल रहेगा, उसमें कोई व्यवधान आपको नहीं आएगा। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में मार्गश ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, कालसर्प दोष बने हुए हैं, विष योग बना है, ग्रहण दोष बना है, अंगारक दोष बना है, वैधव्य दोष है, इस तरीके के जो बहुत ही अशुभ ग्रह योग होते हैं, यदि ऐसे कोई भी ग्रह योग आपकी जन्म पत्रिका में बने हुए हैं तो उसका बहुत सरलता से निराकरण आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। भगवान विष्णु की एक प्रतिमा लेकर के आए, अक्षय तृतीया को उसको स्थापित करें, प्राण प्रतिष्ठा करें और एक वर्ष पर्यंत नित्य प्रतिदिन जो है कम से कम 11 तुलसी दल अर्पित करें, अधिकतम 108 या 1100 भी आप तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जैसा कि हम जिन दिनों में या तिथियों में तुलसी दल नहीं तोड़ते तो एक दिन पूर्व तोड़ करके रख लें और तुलसी दल से नित्य आप जो है भगवान विष्णु का अर्चन करेंगे तो एक वर्ष के अंदर आप देखेंगे कि आपके जो भी समस्याएं हैं वह सब दूर हो गई और आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसकी बहुत महिमा है। जो हमारा वेदांग है, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, उन सभी में अक्षय तृतीया की अपार महिमा बताई हुई है। इसलिए आप सभी कल अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए, जो कि बल के और विद्या दोनों के दाता है, उनका पूजन करते हैं। घर में एक खड्ग लेकर के आए या एक फरसू लेकर के आए उसका पूजन करके घर में स्थापित करते हैं तो आपको कदापि जो है शत्रु भय व्यापित नहीं होगा। इस प्रकार से आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
वो आपके घर में माँ लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का, भगवान परशुराम जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। जय परशुराम, जय श्री कृष्ण।